यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए। कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉक टेस्ट नंबर सेकंड को, पेपर नंबर जो 2 है हमारा कॉमर्स का, तो उसके मॉक टेस्ट नंबर सेकंड को आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका जो PDF है, अनसोल्ड PDF, वो मैंने टेलीग्राम पर कल रात को डाल दिया था। आई होप कि आपने उसको किया होगा, नहीं किया तो अब मत कीजिएगा, आप डायरेक्टली आप ये वीडियो लगाइए, ओके, और अपने इसका सोल्ड PDF जो है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार उसको जरूर देख के जाइएगा, ठीक है ना? हाँ जी सर। इससे पहले पेपर नंबर 1 के हमने 5 मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, और पेपर नंबर 1 की हर यूनिट के प्लस में पेपर नंबर 2 की हर यूनिट के लगभग 200 से 250 क्वेश्चन जो है वो हमने डाले हुए हैं, तो उनको जरूर करके जाना एग्जाम के लिए, ठीक है ना? और दूसरा, मैं सोचा था कि मैं मॉक टेस्ट भी कम से कम 4 तो लेके आऊंगा, लेकिन बस ये लास्ट मॉक टेस्ट है इस सेशन के अंदर, और इसके बाद अब कोई वीडियो नहीं आएगी। एक वीडियो मैं स्ट्रेटजी का जरूर डालूंगा आज शाम को, और अभी के लिए फिलहाल जो है वो बस ये है कि इसके बाद आप कुछ भी मत कीजिएगा। मैं, मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है, आपका चाहे पेपर 25 को, चाहे आपका पेपर 26 को, आप अभी से जो है वो फोन को स्विच ऑफ कर दीजिएगा, और स्विच ऑफ पूरा, मतलब ऐसा नहीं एयरप्लेन पे स्विच ऑफ कर देना, ठीक है, या एयरप्लेन पे कर देना, मतलब ये कि जो ओनली अब आपको कोई वीडियो एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, बट डायरेक्टली आपको करना क्या है कि जो PDF मैंने आपको दी हुई है सोल्ड करके, सिर्फ उनको जल्दी जल्दी ड्रैग करके और क्वेश्चन आप देखते जाइए, ठीक है ना? आप टाइम सिर्फ उसी चीज का बचा है, ओके? हाँ जी सर। चलो शुरुआत करते हैं हमारे मॉक टेस्ट नंबर सेकंड को। पहला क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट नंबर सेकंड के अंदर था वो है क्या, बोलता है अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट और एक्ट इन द ऑर्डर इन विच दे कम इनटू फोर्स। आपको यहां पे कुछ एक्ट दे रखे थे, इनको इसी ऑर्डर के अंदर, मतलब जब जब ये आए तो उसको उसके हिसाब से अरेंज करना था। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 1999 है, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, लेकिन अब उसको रिपील कर दिया पुराने वाले को, उसकी जगह पे नया एक्ट आ गया, और वो है कौन सा, 2019, और सेबी जो है 1992। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, मैंने डाला है इसके अंदर। पहले इसका आंसर जो है वो कुछ और था, पहले था 3421, बोले तो ए ऑप्शन, लेकिन अब क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पुराने वाला बंद हो गया, उसकी जगह पर नया आ गया 2019, तो अब जो आपका नया जो आपका आंसर बैठेगा वो क्या बैठेगा, 4213। फोर कौन सा है आपका, सेबी आया 1992 में, सेबी के बाद में फेमा 1999, फिर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, और उसके बाद में कौन सा, कोपरा। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन बोलता है इंटरनल एनवायरनमेंट रेफर टू द फैक्टर इंटरनल टू द फर्म। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर वो सब फैक्टर आएंगे जो फर्म के इंटरनल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, इंटरनल एनवायरनमेंट में वही सब फैक्टर तो आते हैं जो फर्म के इंटरनल होते हैं, जिसको दो एक्टिविटी में डिवाइड किया जाता है, या दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आपका प्राइमरी और एक होता है कौन सा, सपोर्टिंग। फिर बोलता है दीज फैक्टर नॉन कंट्रोलेबल, ये फैक्टर जो नॉन कंट्रोलेबल है, सर ये इंटरनल फैक्टर है, एंड दीज ऑल फैक्टर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, तो ये कंट्रोलेबल होते हैं, नॉन कंट्रोलेबल नहीं है, तो आपके ओनली स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, करेक्ट है। आगे थर्ड, मैचिंग करना है, आपको इकोनॉमिक सिस्टम दे रखा है और आपको फीचर दे रखे हैं, इनको आपस में मैचिंग करना था। ट्रेडिशनल इकोनॉमी कौन सी होती है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी वो है जो प्रोड्यूस करती है ओनली दोज गुड्स एंड सर्विस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल और विच दे वॉन्ट टू कंज्यूम, ठीक है जी। कैपिटलिज्म कौन सा, तो जहां पर कंप्लीट फ्रीडम होती है किसका, चॉइस ऑफ कंजम्पशन का, आपका जो मन करे आप वो कर सकते हैं। सोशलिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, आपके फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। और मिक्स इकोनॉमी वो है जिसके अंदर दोनों तरह के सेक्टर पाए जाते हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक सेक्टर भी। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऑपरेट करता है, उसका मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव, और जो पब्लिक सेक्टर है वो ऑपरेट करता है किसके लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। तो थर्ड का जो आंसर रेट इज सी। 3 के बाद आया 4, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल आय, इनमें से कौन सा रैशनल आय है, मतलब इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर द गवर्नमेंट इंपोजिंग ऑफेंसिव ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर। अगर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, ट्रेड के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो क्या करती है, बैरियर लगाती है, तो उसके पीछे का मेन एम क्या है। देखिए, बाहर से आने वाला जो पैसा है या बाहर से जो कंपनीज जो है इंडिया के अंदर आती हैं, तो उससे इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को जो है वो क्या होता है, लॉस होता है। तो अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको सेव आउट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है बाहर से आने वाले इन्वेस्टमेंट के ऊपर या बाहर से आने वाले के ऊपर जो है क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती है। तो बेसिकली बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है या बाहर से जो पर्सन हमारे यहां पे आ रहे ट्रेड करने के लिए, उनके ऊपर या बाहर से आने वाले गुड्स या सर्विस के ऊपर क्या करना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना, बैन लगाना, क्या उसके पीछे का मेन मोटिव क्या है, तो उसके पीछे का मेन मोटिव जो है वो ये है कि हम हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको क्या करना चाहते हैं, सेफ गार्ड देना चाहते हैं। तो आंसर जो है वो क्या, टू प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। चलो जी आगे, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है रिमूवल ऑफ द ट्रेड बैरियर में रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। अगर आप जो है वो ट्रेड बैरियर को क्या करोगे, रिमूव करोगे, तो उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, इंडस्ट्री में ग्रोथ होगा। जी ये बात एकदम सही है, अगर आप बैरियर्स को हटा दोगे तो नेचुरल बात है ट्रेड थोड़ा फ्री फ्लो होगा और उसके अंदर ग्रोथ भी होगी, ठीक है। फिर बोलते हैं इकोनॉमी डज नॉट डिपेंड द ग्लोबल मार्केट, क्या इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट पर डिपेंड नहीं करती है? सर क्या बात कर रहे हो, इकोनॉमी जो है ग्लोबल मार्केट पर डिपेंड करती है, उसके पीछे का रीजन ये है, हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे दो तरह के अकाउंट बनते हैं, एक होता है करंट और एक है कैपिटल। अब करंट अकाउंट की अगर मैं
बात करता हूं तो करंट अकाउंट के अंदर आता है एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो है वो क्या होता है आप ये बताइए, क्या उससे फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो होता है? हां जी। तो क्या उससे जो है वो इकोनॉमी जो है बूस्ट होती है? अगर आप जितना एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे तो बाहर से उतना फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आपकी कंट्री में होगा तो आपकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, क्योंकि आपके यहां पर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा और आपकी नेशनल इनकम जो है वो भी क्या होगी, रेज होगी। तो क्या आपके इकोनॉमी जो है क्या उसके ऊपर ग्लोबल मार्केट इंपैक्ट नहीं पड़ता? सर पड़ता है। तो इसका मतलब रीजन जो है वो क्या है, गलत है। हालांकि मैंने लिखा भी है कि ग्लोबल मार्केट स्पेस में जाकर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट करते हैं जिससे फॉरेन एक्सचेंज का जो है वो फ्लो वो क्या होता है, होता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इजी इंटरनेशनल ट्रेड इज हेल्प इन स्मूथ वर्किंग ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। इजी इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो मदद करता है क्या करने में, स्मूथ वर्किंग में। जी बिल्कुल सही बात है, अगर आप इजी कर दोगे इंटरनेशनल ट्रेड को। अब द क्वेश्चन इज कि इजी इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या? सर इजी इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये होता है कि जो भी ट्रेड के ऊपर लगने वाले बैरियर है, चाहे वो टैरिफ नेचर के चाहे वो नॉन टैरिफ हो, उन सबको क्या कर देना, हटा देना। तो अगर आप बैरियर्स को हटा दोगे तो ट्रेड आपका जो है वो क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। ओके है बिल्कुल। फिर बोलते हैं मैनी पेरेंट एंटरप्राइज प्रोवाइड एफडीआई बिकॉज ऑफ द टैक्स इंसेंटिव डेट गेट। बहुत सारे पेरेंट एंटरप्राइज जो है वो एफडीआई जो है वो करते हैं दूसरे नेशन में, क्योंकि उनको दूसरे नेशन से जो है वो क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ये बात भी एकदम क्या है, सही है। तो दोनों की दोनों बातें क्या है, करेक्ट। आगे असेशन देखिए, बोलता है इन बीओपी, बीओपी के अंदर एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, हर ट्रांजेक्शन के जो है वो टू फोल्ड इफेक्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। फिर रीजन ये बोलता है सिंस, क्योंकि फॉर एवरी क्रेडिट, हर क्रेडिट के लिए देर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट होता है एंड फॉर एवरी डेबिट देर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है। तो इसीलिए जो है वो क्या होता है कि बीओपी के अंदर आने वाली हर ट्रांजेक्शन का जो है वो क्या होता है, दो इम्पैक्ट होते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए, बोथ असर्शन रीजनिंग ट्रू है और रीजनिंग जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। चलो जी आगे, क्वेश्चन नंबर 8 मैचिंग करना है जी आपको। यहां पे देखे एफओबी, एफओबी जो है वो क्या होता है, एफओबी का मतलब जो होता है वो है फ्री ऑन बोर्ड। अब फ्री ऑन बोर्ड क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू यहां पे एग्जांपल बनाया हुआ, देखिए आपने जो है आप हो इंडिया के, ओके, और आपने यूएस से कोई भी सामान मंगाया। अब यूएस का कोई शहर था मान लीजिए वॉशिंगटन, और वहां पर वो सामान बना, वहां से सामान बनकर पोर्ट पर आया, ओके, जो सामान बना वो था 100 रुपए का आपको पड़ा, ओके, और पोर्ट तक लाने का किराया लगा आपका मान लो 20 रुपए, तो पोर्ट पर वो सामान कितने का गया, 120 रुपए का, ओके। अब पोर्ट से उसको क्लियर करवाना है ताकि वो इंडिया के लिए फ्री हो जाए, इंडिया में जाने लायक हो जाए, तो उसको वहां पे फ्री करवाने के लिए जो है वो कस्टम चार्जेस का पेमेंट करना था। हमने 10 रुपए कस्टम चार्जेस पे कर दिया, तो अब 130 रुपए का वो सामान हो गया। क्वेश्चन इज कि ये 130 क्या है, इस 130 को बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड, एफओबी वैल्यू। उस सामान की एफओबी वैल्यू जो है वो क्या है जी, आपकी 130 रुपए। अब ये एफओबी वैल्यू का मतलब ये है कि अब ये सामान यूएस के पोर्ट पे क्या पड़ा है, फ्री पड़ा है, आप डायरेक्टली इसको लेके जा सकते हैं, आपको यूएस की गवर्नमेंट को कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर इस एफओबी वैल्यू के अंदर अगर मैं फ्रेट को, रस्ते का किराया, यूएस से इंडिया लाने के लिए रस्ते का किराया प्लस में रस्ते का इंश्योरेंस, अगर ये वैल्यू को जोड़ दूं तो इंडिया में वो सामान अब कितने का पड़ेगा, 130 से 25 और जोड़ दो 155 का, वो 155 जो है उसको बोलेंगे सीआईएफ वैल्यू, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वैल्यू। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो एफओबी की अगर बात करते हैं, एफओबी बेसिस जो है वो क्या होता है, प्राइस पेड फॉर इंश्योरेंस एंड शिपमेंट द गुड शुड नॉट बी इंक्लूड, इसके अंदर रस्ते का किराया और रस्ते का जो इंश्योरेंस है उसका जो है पेमेंट नहीं किया गया, ठीक है। ऑफिशियल रिजर्व क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व को यूज करते हैं किसके लिए, इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल, जो हर कंट्री जो बीओपी बनाती है तो उसके लिए उसको एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट को बोलते हैं बीओपी मैनुअल, ओके। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल जो है वो क्या है, प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट टू बी फॉलो बाय द कंट्री व्हाइल कंपाइलिंग बीओपी डेटा टू एंश्योर द कंसिस्टेंसी, ठीक है। और बिल ऑफ लेडिंग जो है वो क्या होता है, ये टाइटल डॉक्यूमेंट होता है जो बेसिकली जो है आपका जो ओनर जो है, सॉरी, जो आपका शिप वाला जो है वो इश्यू करता है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। तो 8 का जो आंसर है डेट इज ए। 8 के बाद नोवा आया जी। नोवा बोलता है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ऑफर करता है लॉन्ग टर्म लोन टू डेवलपिंग कंट्री। बिल्कुल सही बात है सर। वर्ल्ड बैंक के अंदर बेसिकली देखो, एक होता है वर्ल्ड बैंक और एक होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक के अंदर दो बॉडी आती है, एक आती है जी आपका आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और एक आती है आपकी आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। आईबीआरडी जो है और आईडीए दोनों जो है वो क्या करते हैं, ये डेवलपमेंट पर्पज के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो आईडीए है वो आईबीआरडी का ही एक पार्ट लगा लो बेसिकली, क्योंकि वो क्या करता है, वो गरीब नेशन को, जो डेवलपिंग नेशन है या अंडर डेवलप नेशन है, उनको वो फंडिंग करने का काम करता है। तो बोलता है वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म लोन देता है, जी बिल्कुल देता है, क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म जो है वो सिनेरियो चाहिए होता है। तो आपका जो वर्ल्ड बैंक है ये आपको लॉन्ग टर्म लोन जो है वो ऑफर करता है, बिल्कुल। फिर बोलता है वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लोन फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये बात भी एकदम जो है वो क्या है, सही है। वर्ल्ड बैंक जो है वो फंडिंग करता है किसके लिए, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का मतलब आईबीआरडी। अब आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो मतलब उसका मेन फंडिंग जो है वो किसके लिए, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी, करेक्ट है।
चलो जी आगे, अगला क्वेश्चन आ गया जी। अगला क्वेश्चन बोलता है मैचिंग करना आपको, सबसे पहला कस्टम यूनियन। अगर देखो ये है आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर 5 डिग्री होती है। सबसे पहले आता है एफटीए फ्री ट्रेड एरिया, फिर आएगा कस्टम यूनियन, फिर आएगा कॉमन मार्केट, फिर आएगा चौथे नंबर पे आपका इकोनॉमिक यूनियन, और फिर आएगा कौन सा पॉलिटिकल यूनियन। ओके, अब यहां पे जो है वो क्या है, सबसे पहले कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन जो है वो क्या होता है, कस्टम यूनियन की अगर बात करूं तो इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, आपस में होने वाले ट्रेड को फ्री फ्लो करते हैं, और दूसरा जो है वो क्या होता है, नॉन मेंबर के लिए उनकी कॉमन एक्सचेंज पॉलिसी हो जाती है। तो ए का तो हो गया थर्ड। इट अकर व्हेन ए ग्रुप ऑफ कंट्री एग्री होती है टू एलिमिनेट करने में ए सेट ऑफ कॉमन एक्सचेंज टैरिफ ऑन इंपोर्ट। ठीक है, कॉमन मार्केट क्या होती है, कॉमन मार्केट एक स्टेप और आगे जाएगा, इसके अंदर जो है आपस में होने वाले ट्रेड को फ्री फ्लो करेंगे, कॉमन एक्सचेंज पॉलिसी होगी, प्लस में फ्री फ्लो होगा फैक्टर प्रोडक्शन का, बोले तो जो लेबर है कैपिटल है वो फ्री फ्लो आ जा सकती है। तो इस कॉमन मार्केट का हो गया इट अलाउ फॉर द फ्री मोबिलिटी ऑफ द कैपिटल एंड द लेबर अक्रॉस द कंट्री। और एफटीए क्या होता है, फ्री ट्रेड एरिया, जिसके अंदर अगर दो नेशन का आपस में एफटीए हो गया तो इसका मतलब दोनों नेशन आपस में गुड्स और सर्विस के ऊपर लगने वाले जो बैरियर्स हैं उनको क्या कर देंगे, रिमूव। इसका एग्जांपल जो है वो है क्या, नाफ्टा, जो 1994 में बनाया था, लेकिन अब नाफ्टा को जो है 2018 के अंदर रिपील किया गया, उसकी जगह पर अब नई बॉडी बन गई है जिसका नाम है यूएसएमसीए। तो 10th का जो आंसर है इज अ बी। 10 के बाद 11 बोलता है प्रेजेंट लाइबिलिटी, जो प्रेजेंट लाइबिलिटी है अनसर्टेन लाइबिलिटी है लेकिन उसका अमाउंट सर्टेन नहीं है। ओके, अगर अमाउंट सर्टेन तो कंफर्म लाइबिलिटी, लेकिन अगर अमाउंट सर्टेन ना हो लेकिन लाइबिलिटी तो उसको बोलते हैं प्रोविजन। तो बोलता है प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ द अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर रिलायबली बाय यूजिंग ए सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन इज टर्म्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोविजन। अब मैंने यहां पे कुछ लिखा है, देखो लाइबिलिटी है ये कंफर्म है लेकिन अमाउंट कंफर्म नहीं है तो उसको बोलेंगे प्रोविजन। लेकिन अगर यही कंफर्म ना हो कि लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी, एग्जांपल अगर आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, अब उसका जब तक आउटकम नहीं आता, मान लो अगर आउटकम, अगर आपका एडवर्स आउटकम आया तो आपको जो है वो क्लाइंट को पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो अभी वो कंफर्म नहीं है, जब तक कंफर्म ना तो उसको बोलेंगे कंटिजेंट लाइबिलिटी, और कंटिजेंट लाइबिलिटी को हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते, उसको फुटनोट के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं। तो मैंने अक्सर लिखा हुआ है कि लाइबिलिटी है ये कंफर्म है बट वैल्यू कंफर्म नहीं है, अगर लाइबिलिटी ही कंफर्म ना हो तो कंटिजेंट लाइबिलिटी और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुटनोट के अंदर नोट सेक्शन में आती है। तो 11th का जो आंसर है वो क्या है जी, आपका प्रोविजन। चलो जी 12 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताने इनमें से कौन सी करेक्ट है। पहला, इन्वेंट्री के अंदर आएगा रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स एंड द गुड्स इन प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर सब कुछ ही आता है। दूसरा, इन्वेंट्री पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल का, बिल्कुल है। इन्वेंट्री इंक्लूड ऑल गुड्स लाइकली टू बी परचेज इन द कमिंग मंथ, इन्वेंट्री में वो सारे गुड्स भी आते हैं जो आप फ्यूचर में परचेज करने वाले हो, नहीं से जो प्रेजेंट गुड्स हैं वही सब आते हैं लेकिन फ्यूचर में परचेज करने वाले गुड्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। तो आंसर जो आएगा ओनली फर्स्ट और सेकंड जो है वो क्या है, करेक्ट है। चलो जी आगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द इनकमिंग पार्टनर कैपिटल। आपको इसको एडजस्ट करना है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल को जो है एडजस्ट करना है नए पार्टनर के बेस पर। तो सबसे पहले जब ऐसा केस है तो आप क्या करते हो, पहले आप टोटल कैपिटल निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, निकाल लिया, उसके बाद आप डिटरमाइन करोगे हर पार्टनर की कितने कितने कैपिटल होनी चाहिए नए के हिसाब से, कर लिया, फिर आप देखोगे उसकी करंट कैपिटल कितनी है पुराने पार्टनर की, निकाल लिया, फिर उसके बेस पर अपनी निकालेगी या सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी। तो आंसर आ गया क्या, ए। आगे जी 13 के बाद 14 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर शोन द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट का जो प्रॉफिट आएगा उसको फिर हम जो है वो डालते हैं कहां पे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, और वहां से फिर बंटवारा होता है, जो प्रॉफिट है उसका बंटवारा होता है, उसी को तो बोलते हैं बंटवारा अकाउंट बेसिकली। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन का मतलब बंटवारा हो गया। ओके, तो बोलते हैं इनमें से कौन कौन सी आइटम पीएनएल अकाउंट की है। आप सबसे पहले है सैलरी टू स्टाफ, ये किसकी आइटम है, पीएनएल अकाउंट की है, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, फर्म का एक्सपेंस है, ठीक है ना। आगे सैलरी टू पार्टनर, ये जाती है आपके पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी जाएगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, जो क्योंकि पार्टनर को जा रहा है। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो कैपिटल अकाउंट की आइटम है, ठीक है जी। इसके बाद में है शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये कहां आएगा सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक इंपैक्ट तो इसका होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा, और आपका जो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें क्रेडिट होगा जाके। तो ये भी इसकी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की आइटम है। फिर अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, ये कैपिटल अकाउंट की आइटम है, वहां पर डेबिट होगी ये। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो आंसर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा, ध्यान रखना, ऊपर वाले जो तीनों वो डेबिट होंगे, ठीक है जी। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2, 3, 5 और 7। चलो जी आगे बोलते हैं एक्स लिमिटेड ने अलॉट करे 25,000 इक्विटी शेयर टू द एप्लीकेंट ऑफ 36, जिन्होंने 36,000 शेयर अप्लाई किए थे उनको कितना दिया, 25,000 शेयर दिया 10 रुपए का एक है प्रोडाटा बेसिस पे। ए ने अप्लाई किया था 1800 इक्विटी शेयर, ए ने जो है वो 1800 इक्विटी शेयर अप्लाई किए, शेयर अलॉटेड टू हिम आर, तो बताइए उसको कितने शेयर अलॉट जो है वो किए गए। ए ने 1800 शेयर अगर क्या किए अप्लाई किए तो उसको कितने किए होंगे, 36,000 जिसने अप्लाई किया उसको 25,000 किया, तो 1800 वाले को कितना किया, 1250। अब 5 रुपए जो है वो अलॉटमेंट एप्लीकेशन बनी शुरुआत में निकलवा लिया,
किया था, तो बताइए कितना पैसा वो आगे एडजस्ट कर सकते हैं। देखो उसने लगाए थे 1800 शेयर के, आए कितने 1250, तो बाकी कितने 550 के एक्स्ट्रा पैसे आ गए। 550 रुपए में 5 कर दो तो बोले तो 2750 रुपए उसके जो है वो आगे हम जो है कॉल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। चलो जी आगे बोलता डिविडेंड पेड, ये आपका कंसोलिडेशन होल्डिंग कंपनी का जो है वो क्वेश्चन है। बोलता डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मस्ट बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ द सब्सिडियरी अकाउंट। जो डिविडेंड का जो पेमेंट किया जाता है किसमें से, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से। देखिए डिविडेंड का पेमेंट जो किया गया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू द इन्वेस्टमेंट इन शेयर टू द सब्सिडियरी। बिल्कुल सही बात है, जो डिविडेंड का पेमेंट हो गया था उससे जो है आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जितना पैसा आपने लगाया था तो कुछ पैसा तो आपको मिल भी गया। हाँ जी, तो ये एकदम ओके। फिर बोला डिविडेंड पेड आउट ऑफ द पोस्ट एक्विजिशन, लेकिन अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से जो है आपको कोई डिविडेंड मिला तो वो जाएगा पीएनएल अकाउंट में, उससे आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम नहीं करेंगे। ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है, दोनों बातें सही है, बट रीजनिंग जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। आंसर आएगा बी। चलो भाई चलो, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेस बिटवीन द स्टैटिक बजट एंड द फ्लेक्सिबल। दो तरह के बजट होते हैं, अगर हम बजटिंग की बात करते हैं तो वहां पे हम दो तरीके से बजट बनाते हैं। एक बजट होता है स्टैटिक, जिसके अंदर क्या होता है कि जब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, फिक्स होती है, उसके अंदर आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, स्टैटिक बजट। और अगर आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर फेरबदल कर सकते हो, मतलब जिस लेवल के ऊपर आप काम कर रहे हो अगर आप उस लेवल को चेंज कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली क्या, फ्लेक्सिबल बजट। ओके, आप यहां पे डिफरेंस है वो ये है कि स्टैटिक बजट जो है वो बेस्ड है एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एक स्पेसिफिक लेवल होता है स्टैटिक में, लेकिन वहीं अगर बात करूंगा फ्लेक्सिबल का, इट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी प्रोडक्शन लेवल विद इन ए रेलेवेंट नेम रेंज। तो आंसर जो आएगा 17 का डेट इज ए। चलो जी 17 के बाद 18 क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन द सेल एट द ब्रेक इवन पॉइंट एंड द टोटल सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, टोटल सेल आपकी, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया 1000 यूनिट की टोटल सेल है और 750 यूनिट ब्रेक इवन सेल है, इसका मतलब 1000 यूनिट की टोटल सेल करिए, 750 यूनिट तक तो कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं है 750 यूनिट पे, ना कोई प्रॉफिट है और ना ही कोई लॉस है, ठीक है। इसके बाद की जो 250 यूनिट की जो सेल करी है वो सेल कौन सी है, वो ऐसी सेल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो सेल होती है जिसके अंदर आपका प्रॉफिट का एलिमेंट भी इंक्लूड होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन द सेल एट द ब्रेक इवन पॉइंट एंड द टोटल सेल, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एक्सप्रेस करते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल सेल और इन वैल्यू और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जो है टोटल सेल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे टोटल सेल का कितना 25% है, वैल्यू में भी कर सकते हो, 250 है मान लो 10 रुपए का तो 25,000 और आपके क्वांटिटी में भी मतलब 250 यूनिट्स हो गया, ठीक है जी, दोनों सेगमेंट क्या है, करेक्ट है। आगे जी नेक्स्ट बोलता है मैच करो आप इसको, परफॉर्मेंस बजटिंग जो है ये होता है प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जीरो बेस बजटिंग जो है वो जिमी कार्टन दिया था, वैसे आप इसमें कंफ्यूज हो गए, ये जो फर्स्ट टाइम जो जीरो बेस बजटिंग है इसको देने वाले जिमी कार्टर थे, लेकिन बाद में जो है वो इसको बोलते ऐसे, आप नेट पे अगर सर्च करेंगे तो पीटर फायर का नाम आता है यहां पे, तो मैं लिखा भी है कि जीरो बेस बजटिंग ओरिजिनेट किया गया 1960 के अंदर बाय द फॉर्मर टेक्सस इंस्ट्रूमेंट अकाउंट मैनेजर पीटर फायर, और उसको लेकिन एक्चुअल में यूज में जो लेके आने वाले थे वो जिमी कार्टर थे, ठीक है ना। खैर अभी बस आप अगर दोनों इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो आप उसको जो है वो क्लिक कर दीजिएगा कि जीरो बेस बजटिंग जिमी कार्टर जाए तो भी ओके है, और अगर पीटर फायर आ गया तो भी ओके है, लेकिन 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 अगर मान लीजिए पेपर के अंदर जो है वो आ गया ओनली एंड ओनली, मतलब दोनों आ गए लेकिन एक को सिलेक्ट करना है, तो पीटर फायर को जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। आगे समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट, जितने भी फंक्शनल बजट है उन सबकी समरी को बोलते हैं मास्टर बजट, एंड ऐसा कौन सा बजट है जो अनचेंज रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेंड, तो वो होता है जी कौन सा, फिक्स बजट, तो 19 का आएगा डी। चलो जी 19 के बाद 20 बोलता है ऑडिटिंग जो है वो गारंटी इज नॉट द गारंटी ऑफ 100% करेक्टनेस, ये बात एकदम जो है वो क्या है, सही है, क्योंकि ऑडिट के अंदर हम लोग जो है वो रिपोर्टिंग देते हैं, उसके अंदर हम अपना ओनली ओपिनियन देते हैं, वो गारंटी नहीं है। फिर बोलता है ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मीडियम है थ्रू विच, जिसके थ्रू ऑडिटर एक्सप्रेस करता है अपना ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडिटिंग प्रोसीजर, तो दोनों बातें जो है वो क्या सही है, और रीजनिंग जो करेक्टली सच में एक्सप्लेन भी करा है, क्योंकि ऊपर ये तो बोला गया कि ऑडिटिंग जो है वो 100% गारंटी नहीं है, ओनली क्या है, ओपिनियन है। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हेन द डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व वो होता है जिसके हर पॉइंट के ऊपर आपका जो टोटल सेल का जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बोलता है द डिमांड कर्व, व्हेन द डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी टू रिमेन अनचेंज, क्योंकि वहां पे टोटल सेल के सेम है, और अगर टोटल सेल अगर आपकी सेम है तो नेचुरल बात है जो टोटल एक्सपेंडिचर कस्टमर के द्वारा किया गया वो क्या रहेगा जी आपका, वो हमेशा सेम रहेगा। ये बात ध्यान रखना,
का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड करके हर पॉइंट के ऊपर आपका जो टोटल रेवेन्यू है फॉर्म का वो सेम रहेगा। फॉर्म का टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू कस्टमर का टोटल खर्चा। ओके, तो दोनों बात एक ही है, एक बात ध्यान रखिएगा। अगर ये बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हर पॉइंट के ऊपर आपका टोटल रेवेन्यू फॉर्म का सेम है, वो भी ओके। अगर ऐसा बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हर पॉइंट के ऊपर कस्टमर का एक्सपेंडिचर जो है वो सेम है, तो भी एकदम क्या है, ओके। तो आंसर जो है 21 का डेट इज सी। इसके बाद आ गया जी 22, बोलते हैं गुड्स विच आर पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल कौन सी होती है, जिनके ऊपर आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो गुड्स, वो गुड्स जो पैराडॉक्सिकल है टू द लॉ ऑफ डिमांड के, वो कौन से, वो है जी आपकी गिफ्ट गुड्स, एक्सेप्शन में आती है। आगे पुट दिस कॉन्सेप्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंट। सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमांड, फिर लॉ ऑफ डिमांड के बाद में आपने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, कार्डिनल अप्रोच, फिर उसके बाद है ऑर्डिनल अप्रोच, लॉ ऑफ इंडिफरेंस, फिर है इंडिफरेंस कर्व, और उसके बाद में आखिरी में जो है वो हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ रिवर्ल्ड प्रेफरेंस। तो आंसर इसको अरेंज करेंगे तो आंसर आएगा 13254। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इसके बेस बताना कौन से करेक्ट है। सबसे पहला डिक्रीज इन डिमांड इज कॉज बाय चेंज इन फैक्टर अदर देन ओन प्राइस। बिल्कुल सही बात है सर, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड दोनों जो है, दोनों में एक कंडीशन है कि प्राइस आपका सेम रहेगा। अगर मान लो डिमांड अदर फैक्टर्स के कारण बढ़े या घटे तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंक्रीज और डिक्रीज। तो फर्स्ट कंडीशन एकदम ओके है। फिर होता है कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, डिमांड का कम होना, कॉन्ट्रैक्शन, एक बात सुनना, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों होती है प्राइस के कारण। तो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन डिमांड इज कॉज बाय डिक्रीज इन ऑन प्राइस, सर इंक्रीज से होते हैं, अगर प्राइस बढ़ते हैं तो हमारी डिमांड कम होती है, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। और ये उल्टा लिखा हुआ है। और एक्सटेंशन के अंदर क्या होता है, जब प्राइस कम होते हैं, प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्या, एक्सटेंशन डिमांड इज कॉज बाय इंक्रीज इन ऑन प्राइस, ठीक है जी। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों इनकरेक्ट है। चलो जी, प्रोफेसर गोसन हैज टॉक्ड अबाउट टू साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। प्रोफेसर गोसन ने जो है दो साइकोलॉजिकल लॉ जो है वो उनके बारे में चर्चा की थी, उनमें से एक तो है डीएमयू, डीएमयू बोलता है डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, तो बताइए सेकंड कौन सा। सर सेकंड लॉ ऑफ जो गोसन है, गोसन का सेकंड लॉ, उसको बोलता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताएगा कि एक कस्टमर जो है वो क्या करेगा, दो गुड्स के ऊपर इस तरीके से खर्चा करेगा जिस पे आखिरी रुपया जो खर्च किया गया उन दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी सेम है, और दूसरा मैक्सिमम जो टोटल यूटिलिटी है वो हमेशा क्या रहे, मैक्सिमम। इस तरीके का कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। चलो जी आगे, द पॉइंट एट विच द टोटल प्रोडक्ट स्टॉप इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो होता है जहां पे आपका टीपी जो है बढ़ेगा सही, लेकिन अब इंक्रीजिंग रेट की जगह डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्या, आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट। चलो जी आगे, असर्शन बोलती है इनडिफरेंस कट ना तो कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही वाई को, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि कस्टमर जो है हमेशा दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बाय करता है। इनडिफरेंस कट यही तो बोलता है, वो दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन को शो करेगा, हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। वही बात तो यहाँ पे बोली गई है कि इनडिफरेंस कट कभी ना तो एक्स को टच करेगा ना वाई, अगर उसने एक्स टच कर लिया तो इसका मतलब ओनली एक्स कॉम्युनिटी यूज कर रहे हैं, अगर वाई टच कर लिया तो इसका मतलब ओनली वाई कॉम्युनिटी का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इनडिफरेंस कट ना तो कभी एक्स को टच करेगा ना ही कभी वाई को, और कंज्यूमर जो है वो बाय करेगा कॉम्बिनेशन हमेशा किसका, दो गुड्स का। रीजन ये है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए, बोथ असर्शन रीजनिंग जो है वो ट्रू है, और रीजनिंग करेक्ट, एक्सप्रेशन है किसका, असर्शन का। आगे मैचिंग करना, यूटिलिटी क्या है जी, वोंट सेटिस्फाइंग पावर है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सम टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के सभी यूनिट को कंज्यूम करके जो यूटिलिटी मिलती है उसको बोलते हैं क्या, टी यू। एम यू क्या होता है, एडिशनल यूटिलिटी, एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी के अंदर जो चेंज आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एडिशनल यूटिलिटी। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, एम यू टेंड्स टू डिक्लाइन एज कंजम्पशन ऑफ द कम्युनिटी इंक्रीज, जैसे जैसे जो है वो क्या होगा, कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा, एक ही यूनिट को अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्या कंज्यूम करोगे तो हर एक्स यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती रहेगी, कम, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो 28 का आएगा सी। 28 के बाद आ गया जी 29, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली पॉसिबल होगी इफ टू मार्केट हैव। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि जब एक ही सामान के अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट चार्ज करना, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। ओके, तो वो कब पॉसिबल है, जब आपके जो है वो इलास्टिक डिमांड जो है अलग अलग मार्केट में वो क्या है, अलग अलग है। तो 29 का आएगा सी। 29 के बाद 30, ये क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर कंप्यूटर अबाउट ए मोनोपोलिस। पहला, मोनोपोली इनएफिशिएंट है। सर वो लेस एफिशिएंट होती है किससे, कॉम्पिटेटिव मार्केट से, लेकिन वो इनएफिशिएंट नहीं है, तो पहली तो गलत है। दूसरा, मोनोपोली का जो प्रॉफिट है वो एक्ट करता है इंसेंटिव फॉर इनोवेशन, जी ये बात एकदम क्या है, सही है। दूसरा, AR जो है वो इक्वल है MR के, नहीं सर, मोनोपोली में AR कर्व अलग होता है, MR कर्व जो है वो क्या होता है, अलग है। जैसे हम बनाते हैं अगर इसको, तो कुछ इस तरीके का बनता है, ये होता है जी आपका
ये देखो ये ऐसा बनता है आपका, ये तो होता है आपका एयर कर्व और ये है कौन सा एमआर। ये थोड़े से जो है वो क्या होते हैं इन इलास्टिक नेचर के होते हैं, लेकिन दोनों जो है वो सेम नहीं, तो दोनों क्या है अलग अलग होते हैं। तो आंसर जो आएगा ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है सही है। चलो जी आगे बोलता है फाइनेंसिंग ए लॉन्ग लिव एसेट, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट को शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से अगर आप क्या करते हो फाइनेंस करते हो तो वो तो क्या है, तो उसका एग्जांपल बताओ। उसका एग्जांपल ये है जब आप जो है वो क्या करते हो हाई रिस्क हाई प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो सिचुएशन होती है, ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाई रिस्क हाई प्रॉफिटेबिलिटी, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि आपने अगर लॉन्ग टर्म एसेट को शॉर्ट टर्म से किया ये सोच के कि हम जल्दी पैसा उतार देंगे, तो वहां पे ठीक है फायदा ये है कि अगर जल्दी उतार दिया तो आपका ब्याज बच जाएगा, लेकिन नुकसान भी अगर नहीं उतार पाए तो फिर इंसॉल्वेंसी भी हो सकती है। चलो जी आगे क्वेश्चन नंबर 32, फैक्टर डेट आर कंसीडर टू सोल्व द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर, वो सारे फैक्टर जिनको हम कंसीडर करते हैं बिजनेस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो कौन कौन से। पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल सप्लाई, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एफएम के अंदर। इंपॉर्टेंस है तो ऑब्जेक्टिव कैपिटल, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट, ये हमारा कोई फैक्टर नहीं होता, तो आंसर जो आएगा वो कहेगा बोथ वन एंड टू। आगे असर्शन बोलता है सेल और लीज बैक टेक्निक जो है वो टाइप ऑफ लीज एग्रीमेंट है, बिल्कुल सही बात है। सेल और लीज बैक में क्या होता है, हम पहले अपनी एसेट को दूसरे पर्सन को सेल करेंगे और फिर उससे वही एसेट जो है हम क्या करेंगे लीज पे ले लेंगे। इससे फायदा क्या होता है, ये अनेबल करता है लेसी को कि उससे इंप्रूव हो उसकी क्या देयर लिक्विडिटी। सेल और लीज बैक टेक्निक से जो है उसकी क्या होती है लिक्विडिटी जो है वो क्या होती है इंप्रूव होती है, तो ये बात जो है वो क्या है एकदम करेक्ट है। तो पहले बोलता है सेल और लीज बैक टेक्निक एक टाइप ऑफ लीज एग्रीमेंट है, जी बिल्कुल है, ये तो असर्शन हो गया। फिर नीचे बोलता है इट अनेबल द लेसी, इससे क्या होता है लेसी को बेनिफिट ये होता है कि उससे उसकी लिक्विडिटी जो है वो क्या होती है इंप्रूव होती है, ये बात भी एकदम जो है वो क्या है करेक्ट है। लेकिन ऊपर ओनली किसकी बात की गई है टाइप की बात की गई है और नीचे उसके एडवांटेज की बात की गई है, तो इसलिए नीचे वाली जो है ऊपर वाली की जो है वो करेक्ट रीजनिंग नहीं है। चलो जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, में से कौन से इनकरेक्ट है। पहला कैपिटल बस्टिंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस, कैपिटल बस्टिंग जो है इज नॉट द टेक्निक, बिल्कुल सही बात है। कैपिटल बस्टिंग जो है वो अलग टेक्निक है और कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होता है। आगे द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ऐसे क्या नहीं सर, कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर हम लोग करंट लाइबिलिटी को भी जोड़ देते तो वो बन जाता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तो ये जो है वो आपकी क्या है गलत है। चलो जी आगे बोलता है द फंड्स इन्वेस्ट इन द कैपिटल प्रोजेक्ट आर लेस परमानेंटली ब्लॉक, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है किसके अंदर कैपिटल प्रोजेक्ट के अंदर वो परमानेंटली ब्लॉक नहीं होता, ऐसा है क्या सर गलत है। जो पैसा हमने कैपिटल प्रोजेक्ट में लगा दिया तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा कई सालों के लिए ब्लॉक हो जाता है, तो असर्शन तो आपकी गलत होगी। रीजन बोलता है दीज इन्वेस्टमेंट आर ऑफ इरिवर्सिबल नेचर, ये बात एकदम जो है वो क्या है सही है, अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो आंसर आएगा डी असर्शन फॉल्स है बट रीजनिंग ट्रू है। आगे असर्शन बोलती है बिजनेस हैविंग मोर रिस्क एंड अनस्टेबल इनकम शुड नॉट प्रेफर इक्विटी शेयर, वो सब बिजनेस जो जिनके अंदर रिस्क ज्यादा है तो वो जो है वो इक्विटी शेयर को प्रेफर नहीं करते सर, बल्कि वो इक्विटी को प्रेफर करते हैं। जब रिस्क बिल्कुल ही कम होता है तो हम लोग डेट के ऊपर जाते हैं, तो असर्शन तो आपकी गलत होगी। रीजन बोलते हैं एनालिसिस ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर रिवॉल्व अराउंड द एडिक्वेसी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग, तो ये बात जो है वो क्या है जी आपकी सही है, तो आंसर जो आएगा वो क्या है असर्शन फॉल्स है बट रीजनिंग क्या है ट्रू है। आगे एक्स वाई जेड कंपनी है उसने ₹10 पर शेयर जो है वो कमाए, मतलब ईपीएस कितना है ₹10, कैपिटलाइज रेट जो है वो 10% है, मतलब केई जो है वो 10% है और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 12% है, तो व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो बताना है वोल्टर के हिसाब से क्या होगा। सर एज पर वोल्टर अगर मान लो कंपनी की आर जो है वो ग्रेटर है केई से, अगर आर ज्यादा है केई से तो कंपनी जो है वो कैसी है ग्रोथ फर्म, और अगर कंपनी ग्रोथ फर्म है तो ग्रोथ फर्म के लिए कंडीशन क्या कि उसका 100% जो है वो क्या रिटेंशन और 0% क्या होता है डीपी रेशियो होता है, तो मतलब वो क्या करेगी कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंटेन करेगी, तो 0% डीपी रेशियो उसका मेंटेन होगा, तो आंसर आएगा 37 का ए। आगे 38 मैचिंग करना जी, ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या होती है टोटल करंट एसेट, नेट वर्किंग कैपिटल अगर करंट एसेट में से माइनस कर दो करंट लाइबिलिटी को। परमानेंट वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है जिसको हार्डकोर वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल क्या है इट इज द एक्सेस ऑफ द वर्किंग कैपिटल ओवर द परमानेंट वर्किंग कैपिटल, तो आंसर आएगा ए। आगे आर्बिट्रेजर कौन होता है, सर आर्बिट्रेजर वो पर्सन जो रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाने का काम करता है। आर्बिट्रेजर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर क्या करता है, ये दो जब मार्केट में प्राइस डिस्क्रिपेंसी पाई जाए, मतलब एक मार्केट में एक कमोडिटी का अलग रेट चल रहा हो, जैसे मान लो $1 जो है एक मार्केट में जो 47 का चल रहा है और दूसरी में 48 का चल रहा है, तो आर्बिट्रेजर क्या करता है जहां पे 47 का चल रहा है वहां से परचेज करेगा और जहां 48 का चल रहा है वहां पे जाके सेल कर देगा और प्रॉफिट कमाएगा। तो आर्बिट्रेजर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एडवांटेज उठाता है ऑफ द स्मॉल इनकंसिस्टेंसी जो डेवलप होती है बिटवीन द मार्केट। आगे
क्वेश्चन 40 स्टेटमेंट फर्स्ट बोलती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है एंड हेंस एक्सपोज टू द काउंटर पार्टी रिस्क। तो ये बात एकदम जो है वो क्या है सही है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है बाइलेटरल होते हैं, दोनों पार्टी मिलकर करते हैं, जैसे हम जो है वो बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बाइलेटरल हो गया, ठीक है। और ये इसमें काउंटर पार्टी रिस्क भी है, कई बार क्या होता है कि जो ट्रेड करने वाला जो है वो मैच्योरिटी डेट से पहले भाग जाता है तो वहां पर काउंटर पार्टी रिस्क होता है बैंक को। स्टेटमेंट टू बोलता है एक कंपनी जो चाहती है टू सेल एन एसेट एट द पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर हेज कर सकती है अपने आप को बाय शॉर्ट फ्यूचर पोजिशन सेलिंग पोजीशन होल्ड करके, बिल्कुल सही बात है सर। तो दोनों की दोनों बातें क्या हैं, ट्रू हैं। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल एवरेज, इनमें से कौन सा मैथमेटिकल एवरेज नहीं है, वो है जी मीडियन, क्योंकि ये पोजीशनल एवरेज है। आगे द थ्योरी बाय मींस ऑफ विच क्वांटिटेटिव कनेक्शन बिटवीन टू सेट ऑफ फिनोमेना आर डिटरमाइंड, जिसके अंदर जो है वो दो सेट ऑफ फिनोमेना के बीच में हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ कोरिलेशन। आगे कोरिलेशन ऑब्टेन बाय कंकरेंट डिविजन, जो कंकरेंट डिविजन मेथड है उससे जब हम कोरिलेशन को ऑब्टेन करते हैं वो इंडिकेट करता है किसको, वो बताता है ओनली डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ द चेंज। आगे मैचिंग करना सिंपल रिग्रेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग वन वेरिएबल फ्रॉम द अनदर, एक वेरिएबल के बेस पर दूसरे वेरिएबल को प्रिडिक्ट करना उसको बोलते हैं सिंपल रिग्रेशन। मल्टीपल क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो वहां पर मल्टीपल। और सिंपल लीनियर क्या होता है, जब जहां पे आपका जो लीनियर रिलेशनशिप होता है दोनों वेरिएबल के बीच में तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सिंपल लीनियर। सिंगल वेरिएबल इज यूज टू प्रिडिक्ट अनदर वेरिएबल ऑन द असम्पशन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन वेरिएबल, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिंपल लीनियर। तो 44 का हो गया बी। 44 के बाद 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पॉपुलेशन इन स्टेटिक्स, पॉपुलेशन के बारे में कौन सी बात जो है वो क्या है, ट्रू है। पहला, पॉपुलेशन जो है वो टोटल नंबर ऑफ आइटम अंडर ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही बात है, पूरे यूनिवर्स को पॉपुलेशन बोलते हैं। पैरामीटर जो है वो क्या होता है, पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक को पैरामीटर बोलते हैं, जी बिल्कुल, सैंपल के करेक्टरिस्टिक को स्टैट बोलते हैं। ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन पोजेस सेम करेक्टरिस्टिक, नहीं सर, पॉपुलेशन के अंदर आने वाले जो भी यूनिट्स होते हैं उन सबके करेक्टरिस्टिक जो है वो सेम नहीं होते, वो उनमें कहते हैं हेटरोजेनिटी पाई जाती है, तो ये जो है वो क्या है, गलत। तो आंसर जो आएगा बोथ वन एंड टू। आगे अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इफ द सैंपल साइज इंक्रीज, अगर सैंपल साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं हम लोग क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। आगे असर्शन बोलती है पर्सनल इंटरव्यू यूजली रिजल्ट इन मोर एक्यूरेट रिस्पॉन्स, पर्सनल इंटरव्यू जो हम लेते हैं मतलब डेटा कलेक्शन का एक टूल होता है पर्सनल इंटरव्यू करना, तो पर्सनल इंटरव्यू से क्या होगा, इट यूजली रिजल्ट इन मोर एक्चुअल एक्यूरेट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स अच्छा निकल के आएगा, एक्यूरेट आएगा, सही आएगा, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके पीछे का रीजन जो है वो ये है क्योंकि जब आप पर्सनल इंटरव्यू करते हो तो आप जो है अदर फैक्टर के ऊपर भी जो है वो आप उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। इन पर्सनल इंटरव्यू इंटरव्यूअर कैन प्रोब मोर डीपली इनटू द आंसर, तो आंसर जो है वो क्या है, दोनों की बातें सही हैं और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे मैचिंग करना जी प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा कौन सा, डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ प्राइमरी, सेकेंडरी कौन सा, डेटा यूज बाय द इन्वेस्टिगेटर विच हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय अदर, पिक्टोग्राम जो है वो क्या, रिप्रेजेंटेशन डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, और पॉपुलेशन जो है वो क्या, द टोटलिटी ऑफ द थिंग्स अंडर कंसीडरेशन, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉपुलेशन, तो आंसर आएगा बी। आगे द क्रिटिकल रीजन इज अ सेट ऑफ वैल्यू फॉर टेस्टिंग टेस्टिंग स्टेटिक्स फॉर विच द नल हाइपोथिस रिजेक्टेड इन द हाइपोथिसिस टेस्टिंग, तो क्रिटिकल रीजन कौन सा होता है सर, क्रिटिकल रीजन जो है उसका रिजेक्शन रीजन भी कई बार हम बोल देते हैं, तो जहां पे आपका हाइपोथिस जो है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल रीजन। असर्शन ओके, रीजनिंग बोलता है क्रिटिकल रीजन कॉरस्पॉन्ड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ द स्टेट विच अकॉर्डिंग टू द टेस्ट रिक्वायर द हाइपो टू बी रिजेक्टेड, बिल्कुल सही बता, क्रिटिकल रीजन में वो सब वैल्यूज आएंगी जहां पे आपका हाइपोथिस जो है रिजेक्ट हो सकता है, तो बोथ असर्शन रीजन दोनों क्या है, ट्रू है। आगे असर्शन बोलता है टाइप वन एरर जनरली कंसीडर्ड टू बी मोर सीरियस देन टाइप वन, एक मिनट, टाइप वन एरर जो है ज्यादा सीरियस है किससे, टाइप टू से, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टाइप वन के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, जबकि वो क्या है, ट्रू है। दिस इंप्लाइज रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस वी शुड हैव बीन एक्सेप्टेड, जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए था उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टाइप वन एरर, तो दोनों बातें जो है वो क्या है, ट्रू है। आगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इंप्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड और वन प्लान, एक हेड और एक प्लान होना चाहिए, वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आगे मैचिंग करना है जी क्लासिकल स्टाइल जो है आपका, स्टाइल ऑफ मैनेजर की बात हो रही है, लेजी स्फीयर वो है वो कौन सा होता है, लेजी स्फीयर प्रेफर्ड फॉर दोज एम्प्लॉई हु रिक्वायर लेस सुपरविजन, जिनको लेस सुपरविजन की रिक्वायरमेंट आप उनको फ्री छोड़ देते हैं। ऑटोक्रेटिक जो है वो कहां पे होता है, जहां पे कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं उसको बोलते हैं ऑटो, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉई। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप कौन सी होती है, दैट डज नॉट वेल इन ऑल सिचुएशन, और ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप कौन सी, इट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग विजन और द इंस्पिरेशन लीडर, तो आंसर जो है 52 का डेट इज अ सी।
आगे 53, इन एन इलेक्ट्रिकल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देर आर फोर मेन एक्टिविटी, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फिनांस, पर्सोनल, द जनरल मैनेजर इज प्लानिंग टू स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी एडॉप्ट, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम लोग जो एडॉप्ट करेंगे वो है जी कौन सा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बी, क्योंकि अलग अलग फंक्शन हैं। आगे एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द अथॉरिटी फ्लो करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू वेरियस लेवल, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। आगे मास्लो ने डिफाइन किया वन ऑफ द नीड इन द नीड हायरार्की, पांच उसने जो है वो अपनी नीड्स बताई थी, उनमें से एक थी डिजायर टू बिकम एवरीथिंग वन इज कैपेबल टू ऑफ बिकमिंग, आप अगर वो बनना, अगर जो आप बनना चाहते हैं लाइफ में अगर वो बन जाते तो आपकी कौन सी नीड पूरी होती है, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आगे मैचिंग करनी है थ्योरी ऑफ लीडरशिप और फीचर, देखें मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो क्या, इसका फोकस होता है ऑन द एक्शन ऑफ लीडर नॉट ऑन मेंटल क्वालिटी। रिलेशनशिप थ्योरी जो है ये कौन सी है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, क्योंकि रिलेशन मेंटेन करके हम जो है लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिहेवियर थ्योरी जो है उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शनल थ्योरी, और ट्रेड थ्योरी ये बोलता है कि पीपल इनहेरिट सर्टेन क्वालिटी, तो डी का आएगा टू, तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा जी आपका ए। आगे ए प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, एक ऐसी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो मेंटेन करती है कंप्यूटराइज लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट को एंड सप्लाई दीज टू एम्प्लॉयर फॉर ए फी स्कोर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सर्च फर्म। आगे मैचिंग करने स्पेसिफिक ट्रेनिंग मेथड और उनकी क्वालिटी, सबसे पहला ऑन द जॉब कौन सा होता है, ऑन द जॉब वो है जब वर्किंग के दौरान जो है वो जब आप सीखते हैं तो उसको बोलते हैं ऑन द जॉब। मोस्टली द एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इज डन ऑन द जॉब एंड एग्जीक्यूटिव इज एक्सपेक्टेड टू लर्न हिज वर्क वाइल वर्किंग। ऑफ द जॉब कौन से होते हैं, इस मेथड के अंदर ट्रेनिंग को सेपरेट किया जाता है, सेपरेटली फोकस ऑन लर्निंग द मटीरियल रिलेटेड टू द हिज फ्यूचर परफॉर्मेंस। अंडर स्टडी मेथड कौन सा है, द एग्जीक्यूटिव अंडर दिस मेथड इज असाइंड एन अंडर स्टडी और एन असिस्टेंस हु इन एडिशन टू द रेगुलर ड्यूटी इज एक्सपेक्टेड टू एक्वायर मोर फेमिलियरिटी विद टास्क एंड प्रैक्टिस ऑफ द सुपीरियर। और रोल प्लेइंग मेथड जो है वो कौन सा है, रोल प्लेइंग मेथड के अंदर जो है वो क्या, इस मेथड के अंदर एम्प्लॉय लर्न करता है बाय प्लेइंग ए रोल इन द ड्रामेटिक सेटिंग विच कॉरस्पॉन्ड टू हिज वर्क, जो उसके वर्क के जैसा होता है ऐसे रोल को वो निभाने का काम करता है उसको बोलते हैं रोल प्ले। तो 58 का जो आंसर है इज बी। आगे 59, वर्कर का पार्टिसिपेशन इज पॉसिबल होता है एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है, क्या गलत बात है, क्या वर्कर का पार्टिसिपेशन हर लेवल पे आप ले सकते हो, टॉप लेवल पे जनरली हम नहीं लेते हैं, वहां पे तो बोर्ड ही डिसाइड करेगा, लेकिन लोअर लेवल के ऊपर जो है वर्कर का पार्टिसिपेशन करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो असम्पशन तो गलत हो गया। रीजनिंग बोलता है वर्कर पार्टिसिपेशन मे बी फेंड एट लोअर, क्या लोअर लेवल पे वर्कर का पार्टिसिपेशन जो है वो आपका कम होता है, एक मिनट, वर्कर पार्टिसिपेशन में भी फेंट होता है एट द लोअर लेवल एंड विग्रस है एट द टॉप लेवल, तो ऐसा होता है क्या, नहीं ये भी जो है वो क्या है, गलत है। एक मिनट रुको यार, वर्कर का पार्टिसिपेशन इज पॉसिबल है एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट वर्क, हाँ एक मिनट मैंने उल्टा कर दिया यार, वर्कर का पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल मैनेजमेंट हो सकता है, असम्पशन ओके, लेकिन रीजनिंग इसकी जो है वो क्या है, गलत है, आंसर इसका सी आएगा, डी ने सी आएगा, क्योंकि वर्कर का पार्टिसिपेशन लोअर लेवल पे ज्यादा होता है लेकिन जो अपर लेवल है वहां पे कम होता है, होता है लेकिन कम होता है, तो ये बात ध्यान रखना। 59 का आंसर जो है वो सी आएगा, असर्शन तो करेक्ट है बट रीजनिंग रॉन्ग है। आगे मैचिंग करना, टाइम वेस्ट सिस्टम जो है इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सुपरविजन क्या होती है, हाई, क्योंकि वक्त के हिसाब से जब पैसे, तो इंसान खाली भी बैठा रहेगा तो भी उसको पेमेंट मिलेगा। पीस रेट वेज के अंदर जो है वो यहाँ पे वर्कर जो है उसकी अर्निंग स्टेबल नहीं है, जितना वो ज्यादा काम करेगा, जितने ज्यादा प्रोडक्शन करके देगा उतना पैसा ज्यादा मिलेगा। होलसेल प्लान के अंदर डज नॉट एनकरेज एक्सट्रॉर्डिनरी एफिशिएंसी और ओवर फिक्सेशन स्टैंडर्ड इज नॉट ईजी, तो 60 का आएगा 3B। आगे कंसोर्टियम लेंडिंग कौन से, जो ग्रुप लेंडिंग होती है जब दो या दो से ज्यादा बैंक मिलकर के किसी एक बोरोवर को पैसा देते हैं उसको बोलते हैं कंसोर्टियम। कंसोर्टियम लेंडिंग इज ए लेंडिंग फैसिलिटी डिफाइन बाय द सिंगल लोन एग्रीमेंट इन विच जिसमें सेवरल और मैनी बैंक पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बोलता है ओपन मार्केट ऑपरेशन एक मेजर है टेकन बाय द आरबीआई इन ऑर्डर टू कंट्रोल करने क्रेडिट एक्सपेंशन को इन द इकोनॉमी, मींस एज सच उसके अंदर क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आरबीआई जो है वो क्या करता है, सेल और परचेस करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। आगे असम्पशन दिया गया, बोलता है न्यू बिजनेस कैन एक्सपेक्ट टू पे हायर इंटरेस्ट रेट देन द ओल्डर, नया बिजनेस जो है उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा पुराने वाले के मुकाबले, यस उसके पीछे का रीजन है क्योंकि जो नया बिजनेस होता है तो उसके अंदर जो है वो क्या रिस्क ज्यादा होता है तो बैंक जो है उससे ज्यादा ब्याज लेता है। फिर रीजन जो है वो ये है लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में फील्ड डेट लेंडिंग टू द न्यूर कंपनी प्रेजेंट ए हायर डिग्री ऑफ रिस्क, बिल्कुल सही बात है, तो दोनों बातें सही है, रीजनिंग करेक्टली असम्पशन को एक्सप्लेन भी कर रहे, तो आंसर आएगा ए। आगे एफडीआई बियॉन्ड 49%, प्राइवेट जो आपके बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर कितनी एफडीआई अलाउड है, 74% तक अलाउड है, जिसमें 49% तक तो ऑटोमेटिक रूट से, और 49 के बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो कौन सा है जी आपका गवर्नमेंट रूट, तो एफडीआई 49% के बियॉन्ड अगर आप जाते हो तो कौन से रूट से आप जा सकते हो विद दी हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट रूट। आगे मैचिंग करना है परफॉर्मिंग एसेट, परफॉर्मिंग एसेट को बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट, लॉस एसेट को बोलते हैं एनपीए, कैश बैलेंस जो है वो आपकी लिक्विड एसेट है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपकी इन्वेस्टमेंट, तो आंसर आएगा ए।
आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर FII हैव बीन अलाउड टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड. आपको बताना है चार में कौन सी सही है. ओके पहला FII जो है क्या वो इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में. यस FII जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं हेज फंड में भी, इंश्योरेंस कंपनी में भी, पेंशन फंड में भी, इन्वेस्टमेंट बैंक में भी और म्यूचुअल फंड में भी. जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, फॉरेन के बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में इनके अंदर पैसा लगा सकते हैं. दूसरा सेबी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो अपने इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. ओके फिर बोलता है प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो एक रूट है थ्रू जिसके थ्रू प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है मोबिलाइज किया जाएगा बाय द पब्लिक कंपनी. ओके और फिर लास्ट में क्या है, आरबीआई जो है वो लेट डाउन करता है गाइडेंस गवर्न द कैपिटल मार्केट. सर कैपिटल मार्केट को गवर्न करने के लिए जो गाइडलाइंस है वो कौन इशू करता है, सेबी करता है, आरबीआई नहीं करता. तो फोर्थ जो है वो रॉन्ग है. तो आंसर आएगा ओनली 1, 2, 3. आगे हु हैव टू कंपनसेट एनी लॉस ओकेशन टू एनी इन्वेस्टर और टू स्कीम और एनी प्लान ऑन अकाउंट ऑफ द नॉन कंप्लायंस बाय द फंड. अगर मान लो कंप्लायंस प्रोसीजर जो है वो आपने पूरा नहीं किया तो फिर कौन पर्सन जो है, अगर इसका जो नुकसान होगा इन्वेस्टर को तो कौन भरपाई करेगा, AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो उसको क्या करती है, भरपाई करेगी. क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही जो है वो क्या करती है, फंड्स को पैसे को आगे इन्वेस्ट करने का काम करती है. आगे ए पैसिवली मैनेज फंड चार्ज हायर फीस देन द एक्टिवली मैनेज फंड. सर ये उल्टा लिखा हुआ है क्योंकि पैसिव मैनेज फंड वो होता है जहां पे हम लोग जो एनालिसिस नहीं करते. एक्टिव मैनेज फंड के अंदर हम लोग रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो फीस भी हमसे ज्यादा लेगा. लेकिन पैसिव मैनेजमेंट फंड जो है वो लोअर फीस लेता है. तो स्टेटमेंट वन जो है वो क्या है, गलत है. सेकंड बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आर नॉट एप्लीकेबल फॉर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम. क्या बात कर रहे हो सर, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो भी हमारे यहाँ पे जो है, अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम को सेल करोगे तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है. तो ये भी जो है वो क्या है, गलत है. आंसर आएगा बोथ दी स्टेटमेंट आर फोर्स. आगे मैचिंग करना है व्हेन वन कंपनी परचेस, जब एक कंपनी दूसरी को परचेस कर ले उसको बोलते हैं परचेस मर्जर. मर्जर बिटवीन टू कंपनी हैविंग नो कॉमन बिजनेस. दो कंपनी जिनका कोई भी कॉमन बिजनेस नहीं है, अगर उनका आपस में जो है वो मर्जर हो गया तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्ग्लोमरेट. मर्जर बिटवीन टू कंपनी डेट सेल द सेम प्रोडक्ट इन द डिफरेंट मार्केट उसको बोलते हैं मार्केट एक्सटेंशन मर्जर. एंड टू कंपनी आर बोर्ड एंड कंबाइंड अंडर न्यू एंटिटी उसको बोलते हैं हम कंसोलिडेशन मर्जर. तो 69 का आएगा सी. आगे 70 असेट लाइबिलिटी एंड द पर्सनल रिस्क. ये क्या है, डैमेज ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड फैमिली. ओके फिजिकल सोशल एंड द इकोनॉमिकल रिस्क. ये क्या है, इट हैज द पोटेंशियल बोथ द प्रॉफिट एंड लॉस. हाइपोथेसिस रिस्क जो है वो क्या, प्रॉपर्टी डैमेज ड्यू टू हरिकेन फायर इंक्रीज. तो ये इससे जो है हरिकेन या फायर इससे हो भी सकता है और नहीं भी, तो हाइपोथेसिस है. और नेट रिस्क का मतलब दीज आर दोज रिस्क इन विच पर्सन इज लाइकली टू सफर और नोट. तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जी आपका, एक मिनट रुको. इसको सही करो भाई, इसका ये आएगा आंसर. इसको सही करना, ये बी आंसर है इसका. बी कर लेना इसको, जो 70 का है वो बी है इसका. चलो आगे 71 डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन प्राइसिंग प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइडिया गुड्स एंड सर्विस टू क्रिएट एक्सचेंज डेट सेटिस्फाई द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. तो वो कौन सा आइडिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटिंग. तो मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कंसेप्शन प्राइसिंग प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडिया को, गुड्स को, सर्विस को, जिसमें हम जो है वो क्रिएट करते हैं एक्सचेंज डेट सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. 71 के बाद 72 ऑर्गेनाइजेशन मस्ट स्ट्राइव टू ऑल्टर एडॉप्ट एंड डेवलप देयर प्रोडक्ट टू कीप पेस विद एवर चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस एंड डिजायर. इट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ, ये किसका इंपॉर्टेंट फीचर है, मार्केटिंग का. ठीक है जी, आगे असर्शन बोलते हैं मार्केटिंग जो है वो ऐड करता है वैल्यू टू द प्रोडक्ट बाय स्टोरिंग इट फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर टू द टाइम इन इट्स नीड. बिल्कुल सही बात है, मार्केटिंग जो है वो वैल्यू ऐड करता है प्रोडक्ट में. अगर मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग आपने किया उसके बाद अभी जरूरत नहीं तो आप उसको स्टोर कर रख लोगे तो वैल्यू ऐड हो जाएगी. फिर बोलता है इसके अंदर प्लेस यूटिलिटी होती है इन ऑर्डर टू हैव द वैल्यू एंड आइटम मस्ट बी इन द राइट प्लेस. अब ये बोलता है इसमें प्लेस यूटिलिटी है, अगर आप उसको ऑर्डर में मेंटेन करते हो तो उसको राइट प्लेस पे होना चाहिए. ये बात भी सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है. तो आंसर आएगा बी. आगे 74 काट दीजिएगा. 75 कंपनीज एम्फेसाइज डैश एंड डेवलपिंग ग्रीन मार्केट. कंपनी जो है वो उसका मेन जो फोकस है वो किसके ऊपर है, तो आंसर इसका सस्टेनेबिलिटी विजन है. सस्टेनेबिलिटी विजन ये बोलता है कि हम रिसोर्स को इस तरीके से यूज करेंगे कि उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखें. ओके तो बोलते हैं कंपनी जो फोकस करती है सस्टेनेबिलिटी विजन के ऊपर वो डेवलप करती है ग्रीन मार्केटिंग प्रोग्राम, जो डेवलप करते हैं इकोलॉजिकल सेफर प्रोडक्ट रिसाइकलेबल नेचर की हो एंड बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग हो, मोर एनर्जी एफिशियंट ऑपरेशन हो एंड बेटर पॉल्यूशन कंट्रोल हो.
आगे कस्टमाइज प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर द कस्टमर एंड इंटरेक्शन टू इंडिविजुअल कस्टमर आर द पार्ट ऑफ द सीआरएम कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। अगर आप कस्टमर को उसके हिसाब से सामान बना के दोगे तो आपका जो उससे रिलेशन है वो क्या होगा, बेटर बिल्डअप हो जाएगा। आगे डायरेक्ट मार्केटिंग एक टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन है डेट सीक टू एलिसिट एन एक्शन, बिल्कुल सही बता रहे हैं। कॉल टू एक्शन जो है वो की फैक्टर है किसका, डायरेक्ट मार्केटिंग का, ये बात भी क्या है सही है, तो 77 का आएगा सी। आगे 78 मार्केटियर हु एडॉप्ट डैश स्ट्रेटजी एड लो प्राइस आइटम टू द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ स्पेशलिटी प्रोडक्ट, उनके स्पेशलिटी प्रोडक्ट में अगर लो प्राइस आइटम को इंट्रोड्यूस करना तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग डाउन, और अगर नॉर्मल जो आपकी ट्रेडिंग लाइन चली उसके अंदर हाई प्रोडक्ट आइटम को इंट्रोड्यूस करना उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अप। आगे असर्शन है, बोलता है मार्केटिंग मैनेजर हैज टू टेक मैनी डिसीजन जो अफेक्ट करते हैं डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, मार्केटिंग मैनेजर को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं जो उसकी डे टू डे एक्टिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। रीजन बोलता है मेन ऑब्जेक्टिव जो है मार्केटिंग मैनेजर का वो है अचीव करना प्री डिटरमाइंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही बात है, और उसी ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करने के लिए उसको डे टू डे डिसीजन लेने होते हैं, तो आंसर आएगा ए। आगे मैचिंग करना जी, मार्कअप प्राइस कौन सा होता है जिसके अंदर हम कोस्ट में कुछ मार्कअप ऐड करते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग कौन सा होता है स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और गोइंग रेट कौन सा होता है जो प्रिवेलिंग रेट चल रहा है उसी को अगर हम प्राइस मान ले तो गोइंग रेट, और मार्केट स्कीमिंग का मतलब क्या होता है शुरुआत में रेट को क्या करना हाई, सेट हाई प्राइस एंड रिकवर द कोस्ट एट द अर्लीएस्ट पॉसिबल, तो 80 का आ गया ए। आगे 81 सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर द फर्म शैल इंडेमनीफाई करेगी पार्टनर को इन रिस्पेक्ट टू पेमेंट मेड एंड लाइबिलिटी इंकर्ड बाय हिम, कब करेगी अगर ऑर्डिनरी और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वगैरह से कोई खर्चा कर दे तो फर्म उसको खर्चा पे करेगी, ठीक है। अगर ऐसा एक्ट करते हुए इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर वो इसने इसलिए किया ताकि फर्म को नुकसान से बचाया जा सके, तो भी अगर पार्टनर ने कोई खर्चा कर दे तो फर्म उसका क्या करेगी, पेमेंट करेगी, तो आंसर है बोथ ए एंड बी। आगे 82 एवरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट है बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये बात जो है वो एकदम क्या है करेक्ट है, ऑल एग्रीमेंट आर कौन है जितने भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट है इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी, ये बात भी क्या है सही है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा सी। आगे द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया एक्चुअल भी हो सकता है एंटीसिपेटेड भी हो सकता है, ये बात एकदम क्या है करेक्ट है, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इंजर्ड पार्टी दूसरे पर्सन जो है वो आपसे जो है वो किसकी डैमेज की डिमांड कर सकता है, ये बात भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर द कंपनी एक्ट 2002 रेफर टू एन एग्रीमेंट रिक्वायरिंग ए परचेज ऑफ गुड्स ऑन ए कंडीशन दैट परचेज टू परचेज सम अदर गुड्स, अगर ए लेनी है तो बी भी साथ में लेनी पड़ेगी, तो इसको बोलते हैं हम लोग के टाई इन अरेंजमेंट। आगे एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है विच इज फॉर्म ने इनकॉर्पोरेट ऑन द एलएलपी एक्ट, बिल्कुल सही बात है, एलएलपी डज नॉट हैव द परपेचुअल सक्सेशन, ये बात गलत है क्योंकि एलएलपी जो है वो उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है पार्टनर के आने का या छोड़ के जाने का, उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो स्टेटमेंट वन ओनली ट्रू है। आगे पहली अपील जो है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को जो है वो जाएगी कितने दिनों के अंदर, तो पहली अपील अंडर द आरटीए एक्ट जो है वो जाएगी कितने दिनों में, वो जाएगी 30 दिनों के अंदर। आगे ए पीआईओ जो पीआईओ है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है उसके पास हैज टू ऑफर रीजनेबल असिस्टेंस, वो क्या करेगा रीजनेबल असिस्टेंस देगा एप्लीकेंट को टू रिड्यूस एन ओरल एप्लीकेशन इनटू राइटिंग, बिल्कुल सही बात है, वो रीजनेबल असिस्टेंस को सहायता प्रदान करेगा। पीआईओ इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, पीआईओ की ऐसी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है कि वो रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करे टू नॉन बीपीएल कैटेगरी पर्सन को विदाउट द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन और इनिशियल फी, ये बात भी क्या है आपकी करेक्ट है, तो आंसर जाएगा बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे 88 बोलता है व्हेन बायर पेस सम पार्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स टू द सेलर, जब बायर जो है वो कुछ पार्ट जो है वो ओनली कुछ अमाउंट जैसे मान लो 100 रुपये थे और 100 में से जो है उसने 80 रुपये पे कर दिया, अभी 20 पेंडिंग है, तो भी सेलर को हम बोलेंगे अनपेड सेलर, अगर 1 रुपये भी 100 में से जो है 99 रुपये पे कर दिए 1 रुपये भी अगर पेंडिंग है तो भी उसको अनपेड सेलर बोलेंगे जब तक पूरी पेमेंट नहीं होती। आगे हु विल नोटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लेवी अंडर सीजीएससी, सीजीएससी का जो रेट है वो कौन नोटिफाई करता है, सर सीजीएससी का जो रेट है वो नोटिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। आगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम जो एक्रू कर होती है अराइज होती है आउटसाइड इंडिया, जो इनकम एक्रू या अराइज हुई आउटसाइड इंडिया बट रिसीव डायरेक्टली इनटू इंडिया आर टैक्सेबल, वो किस एम्प्लॉय के लिए किस पर्सन के लिए टैक्सेबल, तो वो सभी के लिए क्योंकि वो इंडियन इनकम है और इंडियन इनकम सभी के लिए क्या है टैक्सेबल है। आगे ये स्टेटमेंट देखिए इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है करेक्ट है, पहला एनी इनकम विच इज रिसीव इन इंडिया, अगर कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव हुई है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय द असेसी इज लायबल टू टैक्स इन इंडिया इरिस्पेक्टिव रेजिडेंस स्टेटस, बिल्कुल सही बात है क्योंकि अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव हुई है तो वो इंडियन इनकम है और इंडियन इनकम जो है वो सभी के लिए टैक्स है, चाहे वो रेजिडेंट हो ऑर्डिनरी हो या नॉट ऑर्डिनरी हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है। सेकंड बोलता है द डे द इंडिविजुअल एंटर इंडिया, इंडिया में आने का दिन और इंडिया से छोड़कर जाने का दिन दोनों को जो है वो हम कंप्यूटेशन डेज की कंप्यूटेशन में इंक्लूड करते हैं, यस। फिर बोलता है प्रेजेंस इन टेरिटोरियल वॉटर
ऑफ इंडिया, TWI के अंदर आपकी प्रेजेंस होना वुड ऑल्सो भी रिगार्ड एज अ प्रेजेंस इन इंडिया। अगर आप TWI के अंदर भी है तो भी माना जाएगा कि आप इंडिया के अंदर है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि TWI जो है वो पार्ट है किसका, इंडिया का। तो तीनों की दोनों बातें जो है करेक्ट है, आंसर आएगा डी। आगे, इंडिविजुअल हु इज नॉट इन इंडिया, एक ऐसा इंडिविजुअल जो इंडिया के अंदर नहीं है कैन साइन द रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, के इंडिया के बाहर से वो रिटर्न को साइन कर सकता है, कर सकता है। फिर बोलते हैं इंडिविजुअल जो इंडिया के अंदर नहीं है उसकी रिटर्न जो है वो साइन किया जाएगा एक ऐसे पर्सन के द्वारा जिसके पास में वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी हो एंड ऑथराइज बाय सच इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें जो है वो क्या है, करेक्ट है। बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, और वो रीजनिंग भी है अगर रीजन आया था तो। आगे, एक्स एक इंडिविजुअल है, असेसमेंट 2012-13 की कर रहे थे उसकी, तो ग्रोस टोटल इनकम थी उसकी 3,40,000। अभी बस क्वेश्चन के ऊपर आप रहना एक बार, ठीक है, 12-13 को कंसीडर मत करो। टैक्स बनता था मान लो 16,480 रुपए, अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए उसने 50,000 रुपए PPF के अंदर जमा करवा दिए और उसकी वजह से जो है उसकी जो टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, तो ये जो उसने टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस किया इसको बोलते हैं टैक्स को मैनेज करना, टैक्स मैनेजमेंट। आगे, डैश नीदर एफर टू पेटी रिपेयर नोर द रिपेयर कैरी आउट ईयर टू ईयर बट इट एफर टू द रिपेयर कैरी आउट प्रेजेंटली वट एवर इट कॉस्ट में भी, तो उसको बोलते हैं करंट रिपेयर, और वो करंट ईयर के अंदर ही जो है वो क्या हो जाएगा, उसके हम डिडक्शन ले लेंगे। आगे, 95, व्हेन ए पर्सन रिड्यूस हिज टोटल इनकम बाय मेकिंग फॉल्स क्लेम टू रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी, जब एक पर्सन जो है वो क्या करता है, रिड्यूस करते हैं टोटल इनकम को बाय मेकिंग फॉल्स क्लेम टू रिड्यूस दिस टैक्सेबिलिटी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टैक्स इवेजन। और टैक्स इवेजन जो है वो इलीगली इंडिया में एंड में रिजल्ट टू पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, दोनों बातें सही है और रीजनिंग जो है करेक्टली सेक्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलो जी, इसके बाद अब ये पैराग्राफ देख के आपको वर्किंग कैपिटल, अगर आपने पढ़ा तो बिजनेस फिनांस का एक टॉपिक है अपना वर्किंग कैपिटल, उससे रिलेटेड पैरा था, तो इसके 5 क्वेश्चन थे वो अपने को देखने। आइए, सबसे पहला अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस, इस सीक्वेंस के अंदर अरेंज करो। सबसे पहले क्या होता है, कैश को हम कन्वर्ट करते हैं इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री से बनेगा रिसीवल, रिसीवल से फिर क्या बनेगा, कैश बनेगा, तो आंसर जो है वो क्या, डी। आगे, नेट वर्किंग कैपिटल रेफर टू द फर्म इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, करंट एसेट आर द एसेट विच आर टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अकाउंटिंग ईयर, तो नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब जो है वो क्या था, ओनली करंट एसेट होता है सर, ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी, तो ये पहला तो गलत हो गया। सेकंड बोलते हैं ग्रोस वर्किंग कैपिटल रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड लाइबिलिटी, नहीं सर ये आपका नेट वर्किंग कैपिटल है, तो ये भी गलत हो गया, आंसर है बोथ आर फॉल्स। आगे, स्टेटमेंट 1 बोलती है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का मतलब क्या, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग रेफर टू द ऑटोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड अराइजिंग इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ट्रेड क्रेडिट एंड द आउटसोर्सिंग एक्सपेंस आर द एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग का, ये अब ये बताइए ये क्या है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग रेफर टू द ऑटोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, जो अब इसके अंदर जो है वो क्या है, क्या ये ऑटोमेटिक ये स्पॉन्टेनियस होता है, सर ये नहीं है, जो ट्रेड क्रेडिट एंड द आउटसाइड एक्सपेंस एग्जांपल स्पॉन्टेनियस की, ये बात तो आपकी जो है वो क्या है, करेक्ट है, लेकिन जो ऊपर वाला है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग रेफर द ऑटोमेटिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ऑटोमेटिक सोर्स के अंदर आपका स्पॉन्टेनियस आता है, ठीक है ना, तो ये इसका पार्ट नहीं है। फिर बोलता है व्हेन द फर्म फॉलो करते हैं मैचिंग अप्रोच को, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को यूज करते हैं फिक्स एसेट के लिए और या परमानेंट करंट एसेट के लिए, और शॉर्ट टर्म को यूज करते हैं टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के लिए, ये बात एकदम करेक्ट है। फिर बोलते हैं अग्रेसिव पॉलिसी उसको बोलते हैं, इट्स टू बी फॉलो बाय द फर्म वेर इट यूज मोर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग देन वॉरंटेड बाय द मैचिंग प्लान, ये बात भी जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, पहली स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है लेकिन सेकंड और थर्ड क्या है, करेक्ट है। आगे, ट्रेड क्रेडिट आपको प्रोवाइड किया उसमें लिखा 2/15 net of 45, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2% क्या है, ये बोलता है कि अगर जो पैसा हमें 45 दिनों में आपने देना था अगर वो पैसा आप 15 दिनों में दे दोगे तो हम आपको 2% का क्या दे देंगे, डिस्काउंट, तो ये 2% जो है वो क्या है, कैश डिस्काउंट है। और लास्ट क्वेश्चन जो था वो क्या है, मैचिंग करना था। हाइपोथिकेशन जो है वो क्या, हाइपोथिकेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी किसके पास होती है, ओनर के पास में होती है, लेकिन कागज उसके वहां पे पड़े होते हैं बैंक के पास। प्लेच के अंदर पोजेशन भी जो है वो किसके पास होती है, लेंडर बैंक के पास होगी। मोर्डगेज के अंदर मोर्डगेज रिलेटेड इमोबल प्रॉपर्टी, और लीन जो है वो क्या है, राइट टू रिटेन गुड्स को अपने पास ही रखने का राइट जो है वो उसको बोलते हैं राइट ऑफ लीन, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। लो जी, ये हो गया जी 100 क्वेश्चन, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करेंगे आपको पेपर के अंदर जाके, ओके। और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका स्कोर क्या रहा वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, ओके। और अगर स्कोर कम भी रहा है तो अभी टेंशन मत लीजिए, चलो पेपर में जाने से पहले तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए ना, आप डायरेक्टली पेपर में जाओगे अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना जी सर। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ओके। और एक वीडियो मैं डालूंगा स्ट्रेटजी का, उसको जरूर देख लेना आप, ठीक है ना जी सर। चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।